अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब गाइस? अस्सलाम वालेकुम, हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। उसमें कहाँ जा रही है? मामी के पास। कौन सी मामी के पास? सबा मामी के पास। हैदराबाद जा रही? नहीं। उसमें बहुत एक्साइटेड है, उसकी सबा मामी आने वाली थी आज, आई कि नहीं आई हमको पता नहीं है, और हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। हमको ये भी नहीं मालूम कि वो सुबह में आने वाली थी, दोपहर में आने वाली थी या रात में, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। वैसे भी आज छुट्टी है, सैटरडे है, तो और देखते हैं। अरबी की भी छुट्टी दे दी आप ना, आज छुट्टी है तो शाम में घूमने भी जा सकते हैं अपन। अक्सर हमारे भी चलोगे ना? नहीं, झूठे, मैं लेके चलूंगी। मेरी छुट्टी आज, मेरी छुट्टी आज, छुट्टी हाँ आज की छुट्टी मेरे को दी अब्बा ने, क्योंकि अपनी कल की छुट्टी वो लेने वाले। डील किया है इन्होंने, डील मेरे संडे पे हाँ लूंगी ना, बोले ना इन्होंने। सनसनाती हुई, गुनगुनाती हुई खबर आई है कान में, बताती हूँ आप लोगों को। तो कुछ ऐसा सुनने में आया है, वॉचमैन ने बोला है हम लोगों को, ना तो हमारे ओनर ने बोला है, ना तो हमारे हमारा तो लेना देना ओनर से, भाई ओनर ने हम लोग को कुछ भी नहीं बोला है। वॉचमैन ने बोला है कि गाड़ी, बाइक और कार कुछ दिनों के लिए कहीं और लगाओ, क्योंकि ये रोड बनने वाला है। ठीक है, अब ये रोड बनने वाला है, तो हम लोग ने पूछा कितना महीना लगेगा रोड बनने के लिए? कम से कम 5 से 6 महीना लगेगा। तो 5 से 6 महीना हम लोग रहेंगे यहाँ और गाड़ी कहाँ लगाएंगे? मुश्किल हो जाएगा। चाहे फिर बाइक ही क्यों ना हो, कहाँ लगाने का? अम्मी के घर में तो भी इतना पॉसिबल है क्या? रहेंगे यहाँ और गाड़ी अम्मी के घर पे खड़ी रहेगी, तो फिर क्या रोज डेली काम पे जाने के लिए पहले पैदल अम्मी के घर जाएंगे और उसके बाद वहाँ से बाइक उठाएंगे, फिर काम पे जाएंगे, फिर बाइक वहाँ लगाएंगे, फिर घर आएंगे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है घर चेंज करने का टाइम आ गया, मुझे अभी ये बात से लगा। अभी हाँ अपने खुद के घर में जाएंगे। हाँ। अब सच में? सच्चे। हाँ हाँ, वहाँ पे भी कौन सी कार खड़ा करने की जगह? हमारे घर के पास भी कोई, हाँ पीछे साइड है, पीछे साइड है। तो वही बोलने का मतलब है, अभी सुने ये खबर, लेकिन हो रहा है थोड़ा सा, अभी दिमाग में चल रही है चीजें, देखते क्या होता है। मिले क्या? मैं तो मिली है ना, टीवी बंद करो ना आवाज। अरे भाई लाइट भी तो बंद है। चलेगा मेरे को लाइट बने, चलेगा मेरे को। देखिए अभी मैंने तो एकदम सेम उजमा जैसी लग रही है, है ना, माशाल्लाह वैसी दिख रही हो। चलो माशाल्लाह। वो तो साबा तो खुद ही बोलती थी मुझे उजमाची, पूरी प्रेगनेंसी एक ही चीज तो बोली उसने, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। क्या बोलता रियाज, तू कैसा फील हो रहा है? मेरी बच्ची थक के आई है, सोएंगी नहीं क्या? सुला दो, प्लेन में थक के आई है। अच्छा, देखेंगे ना कितना टाइम सोती है, कितना टाइम सोती है वो? रात भर नहीं सोती, दिन भर सोती। अच्छा, मान बोलता हाँ वही तो तैयार, क्या प्लेन चला के आई है। सही है अम्मी, सही है। अब तेरे को रियल पता चलेगा कि तू बाप बन गया है, अब पता चलेगा। अब तक तेरे को पता था, डरा नहीं वो तो, मैं तो 3 दिन से उसको एक ही चीज बोल रही हूँ। नहीं, बड़ा टाइम टेबल वाला ना वो, टाइम टेबल, अब टाइम टेबल देखने का तेरा कैसे टाइम टेबल रखेगा बेटा। अब नींद पूरी नहीं होगी तो दिन में कैसे तू चलाएगा चीजें? अच्छा ऐसा, क्या चल अल्लाह का करम है। 4 बजे भी सोएगा ना बेटा, कहीं भी जाके ग्रांड रोड गया, चोर बाजार गया, कहीं भी गया, 4 बजे मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए देखने का, मेरे को देखने का है, मेरे को देखने का, मेरे को देखने का, फीलिंग शेयर करने का है तेरे साथ, तू एक बच्चा है, तू ही तो एक बच्चा है एक्सपीरियंस लेने वाला। ये रात को बच्चे सोने नहीं देते मेरे को, वही देखे तेरा भी शेयर करने का है। तुम लोग ने मेरे को जितना परेशान किया बचपन में, भाई बहुत परेशान किए ले, तू तो ज्यादा किया है, तू तो मेरे हाथ में पैदा होके आया था आधे घंटे में। बच्चों के चक्कर में लेट हो जाता था, बच्चा पोटी कर दिया, कुछ हो गया।
तो वही कुत्ता इतना टाइम क्यों, अभी बच्चा आया ना उसका, उनकी जो फीलिंग चल रही वही बता सकते हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं भाई। हां तो ऐसा नहीं, अल्लाह लेट आता तो तू बोलता क्या बजान लेट, क्या बजान लेट, आप बोलता अभी तेरी भी लेट करेगी। नहीं इस तरह की जब से शादी नई भी लेट करना चालू कर दिया था। नहीं नहीं आया, वो बच्चे चला जाता है। नहीं अच्छा है बाबा, माशाल्लाह अल्लाह करे तू खुश रहे। सेम दुपट्टा तो मेरे जैसा है उसका, वो दिया हुआ भी तेरा से है, लेकिन नहीं आ रहा था। मेरे को याद ही नहीं है। वालेकुम सलाम, मुझे याद ही नहीं है। अरे अभी नहीं है, 8 साल पहले तू दी थी, 4-5 साल पुराना ड्रेस है। अच्छा अच्छा, देखो ना मेरे को भी आ रहे, उसको भी आ रहे। ड्रेस है ना, मैंने उठा के वो वाले कबाड़ में रखे ही था पास। अभी जब से डाइट चालू करी ना तो मैं लेके आई। अब मैं बोली जीनी ये ड्रेस किसको भी दे दे बेटा, तेरे को तो आ नहीं रहा है, कितना बोले ला मैं ट्राई करती तो अभी ढीला हो रहा है, अभी ढीला हो रहा है, अभी तो लूज हो गया। मेरा भी माशाल्लाह। तू तो है ही नहीं कम करने के लिए। हाँ अभी सब निकलेगी, लंबी भी निकलेगी, गोरी भी निकलेगी। अभी तू तो दिल पे ले ला रहा रे, मैं तो एक माँ बाप की फील नहीं, माँ बाप की फीलिंग अम्मी, माँ बाप की फीलिंग रहती थी ना, माँ बाप की फीलिंग रहती थी ना, वो अलग ही बोलते। मेरे को भी लगता है वो बहुत लंबा निकलेगा। रियाज वाली है वो बिना डाइटिंग के दुबली हो गई। क्या दुबली हो गई? सबा या सबा? हाँ नहीं मैं अभी दुबली हो गई है। ये प्रेगनेंसी के पहले जैसी लग रही है, प्रेगनेंसी के पहले अच्छा है रे। सीजर वालों का पता नहीं चलता है कब मोटे हो जाते हैं। मैं भी वही बोल रही हूँ, लेकिन मोटी नहीं भी सीधर वालों का पता नहीं चलता कब मोटो जाएगी। अल्लाह का करम है ना, तो भी सही है। अल्लाह तुझे मुबारक करे तेरी बेटी के नसीब से, अल्लाह तेरी रोजी में दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की लिख दे। बस मैं तो यही चाहती हूँ, बस ये वो है। अम्मी मस्ती करेगा तो दिल पे ले लेता, दुआ ले तो मजा आता है इसको। हाँ समझा ना, मस्ती करने का राइट है, मेरा हक है। तेरी बेटी के नसीब से अल्लाह तेरे को इतनी तरक्की दे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। समझा? आमीन सुम्मा आमीन। बच्ची के लिए बहुत सारी दुआएं करना गाइस, मेरी बच्ची का नसीब भी बहुत अच्छा है। आमीन आमीन। बोलने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइबर इतने अच्छे माशाल्लाह, बहुत दुआ भेजेंगे। वही चलो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने बजे आई तू? अच्छा पानी ला रही है, लाओ पानी लेके खड़ी हुई है। पानी लेके खड़ी थी वो ट्रे में, बोलती पानी गर्म हो रहा है। यहाँ पे ना लोग एल्बम वगैरह देख रहे हैं, हम लोग आते साथ एल्बम ही देखे, कौन किसके जैसा दिख रहा है यहाँ पे, पहले से एल्बम नहीं। हाँ क्या, हाँ तो मुझे याद आ गया कि मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसी दिखती थी पहले, तो मैंने मंगाया एल्बम। अभी देखो आप लोग, मैं स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। स्टार्टिंग से नहीं दिखाना, सिर्फ छोटा आजम दिखाना बस। हाँ रुको दिखाती हूँ, 2 मिनट गाइस। आजम है, आजम देखो, देख इधर आजम सेम आजम है, पूरा का पूरा है ना, पूरा आजम। तो मैं बोली ना एकदम, मेरे पे वीवर भी बोलते हैं। देख मम्मू देख, अरे एक फोटो में तो तू एकदम यूसुफ दिख रहा है भाई, बोलते नूर पे गया, मेरी फोटो के साथ। ये देखो ये मैं हूँ बचपन की, ये मम्मू देख, आप मम्मू देख, 2 मिनट हाँ देख रही, बता मम्मू देख, रुक अरे ये मैं हूँ, बाकी देखिए गद्दार है ये देखो। अधिकता की नहीं आजम मेरे जैसा गाइस, जरा बताना। एल्बम दी ना हाथ में इन लोग, खुश हो गए ले। ये चेरू है, ये तो खुली नहीं ना। ये अम्मी, ये भी मई चू। नहीं बेटा चेरू चटाई पे रो रहा था, ये मैं हूँ चेरू चटाई पे रो रहा था, ये मैं हूँ। ये देख इधर पे अड्डा, एकदम अड्डा, ये देख नाक भी सेम मेरे से आजम तो। और बड़ेपन की फोटो बताओ, देखो एक उजमा बता दू, ये देखो दिख रहे हैं जी नहीं है ना। अभी मैं थोड़ा मेरे बड़ेपन की फोटो बताती हूँ, ये तो देखो लड़का दिख रही हूँ मैं यहाँ पे, बाल कटाई थी ऐसा है ना। और यहाँ पे ये मेरे जॉब की फोटोज है, मैं बहुत दुबली सुखड़ी पतली थी,
अचानक से मोटी हो गई। एक भी लस्की भी नहीं थी कमर। कैसे पकड़ते थे हमें मेरे कमर? थी पेट और पीठ ऐसा था बस। अभी देखो तो ये देखो गाइस, ये मेरे अब्बा ने मेरे लिए बनाए थे ये कपड़ा। हाँ, जरी के हुए। उसमा कहाँ गई? उसमा पूछ रही थी अम्मी नानू ने कौन सा कपड़ा तुम्हारे लिए बनाए थे उसको बताने का। ये बच्ची अपने घर में रुक रुक, इसका पॉपी आने का बात। ये हम लोग चारों का आज। हाँ, अभी खाना खाऊंगी भाई मैं। आपा ये मेरी, ये दूसरी मामी माँ है ये हम लोग की दूसरी। क्या मैं ना 10 साल तक के भाई मैं दिवाली विवाली सब मनाया, मैं इनके साथ रहता था, ये मेरी दूसरी माँ। हाँ, दूसरी माँ बोले तो वैसी नहीं है बाबा। समझने वाला कुछ और भी बोल देंगे। ये हमारे बाजू में ना, हम लोग जब पैदा हुए थे ना तो चंदू मामू रहते थे, ये ज्योति मामी है, वो लोग ने ना हम लोगों को खुद के बच्चों की तरह पाला है। तो ऐसा है, ये देखो। और इन लोग ना दोनों दोस्त की तरह रहते थे, लेकिन अभी वो मुंबई में नहीं है, वो अमरावती में शिफ्ट हो गए। ये देखो, ये मैं हूँ। देखे आज हम मम्मी को नहीं देखेगा? तू मम्मी को नहीं देख रहा? ये देखो, ये शेरू है। लेकिन ये अपन ने सब फोटो फोन से खींचे थे, मोबाइल से। की फोटो दिखा रहा है। ए रुक रे, ए आ गया बीच में, रुक जा, पहले मेरा हो जान दे चाला। अरे मच्छर काटता भाई बहुत ऊपर वाला नहीं बेटा, जरूरी है ये तो बच्ची छतरी लाते। अरे वो ठीक है, लेकिन अभी मच्छर के हिसाब से जरूरी है। ये देखो लगा ले रियाज, लगा ले। मैं कितने को काटे भाई? भाई मैंने इनको कितना पूछा, ये क्या है? ये कुछ डायलॉग मारा है अभी। अरे मैं बोला अभी एक फोटो दिखाऊंगा ना, अभी भी आधे से ज्यादा लोग मेरे को देख के गिर जाएंगे। अच्छा, स्मार्टी की फोटो। अच्छा, अरे बाप रे, दिखाई ना रहे मैंने जूम करके। देखो टसन, देखो बंदे का सलमान खान। तुम इधर हटो, वो शौक था, टोपी कैप पट्टा, उसको बचपन से शौक था। देखो ना सलमान खान है, सलमान खान। और मानता था घड़ी नहीं लाती थी तो घड़ी का है मेरी। ये एकदम भोला बच्चा था, बहुत शरीफ बच्चा था, लेकिन अभी ये सर, अभी इसकी सराफत ना परिवर्तन हो गया। तेरी वो शरीफ था, सही में शरीफ था। कोई कोई शक नहीं है कि सच में वो बहुत भोला था मेरा बच्चा, आठवीं नौवीं तक। लेकिन बाद में उल्टा हो गया था, बाद में रियाज शरीफ हो गया था, बहुत ये डेंजर हो गया था। इतना शरीफ हो गया था रियाज के, रियाज जब बाहर जाता तो मेरे को डर लगता था कि अभी कब रोके आता है करके। अभी वो भी परिवर्तन में, वक्त ने सिखाया, लोगों ने सिखाया है ना। पहले अपन सिर्फ घर तक शरीफ थे, अपन ना घर में अभी भी शरीफ है, बाहर वालों के लिए अभी भी डेंजर है। ये कुछ कर रहा है, कितनी प्यारी दिख रही है। वही तो देखो ना, उधरी जूम करके तो बताया मैंने, सब प्यारे दिख रहे, खाली मेरा माता बड़ा दिख रहा है, चमचे कबगीर खा खा के। नहीं चमचे कबगीर नहीं बेटा, तू ना सही बोलो, ये लोग सब तीनों ना स्टाइल मारते थे। तू ना आपा टाइप ही थी पहले भी, सबको संभालने संभालने में तू आपा ही रह गई है। अच्छा, हाँ कर रहा है ना, करने दे लेके, डायपर में मारता है ना। आग थोड़ी अलग है ना, आग थोड़ी देखा अलग है इसकी। हाँ, मैंने उसको तभी बोली, इसकी आग है ना गोल है, नहीं नहीं कलर, कलर में कलर ग्रे कलर है।
पूरा वो जो अंदर का आईबॉल है ना, मतलब जो ब्लैक की भी अंदर का ब्लैक रहता है वो पूरा क्लियर दिख के आता है। भूख क्यों लगी है रे बाबा, भूख क्यों लगी है? अरे वाह, एकदम ग्रेइश आ गया, हंसते भी हंसते की देख। अरे वाह, आवाज पहचान रही है, अभी वो आवाज पहचान रही है। तू ते तू बाप है, इसका एक्सप्रेशन तो देख, वो छोड़ लो उल्लू मिलो बच्चे, नो 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 नो। बच्चे को कितना रुला रहे, बुला उसकी माँ को, भूख लगी ना, हाँ भूख लगी। और नौ भी थे मेरे, उस माँ को लेने का लेती। हाँ मेरी बच्ची कब से इंतजार कर रही है। चुप कर गए, हमारे पास रो रही थी, उधर जाके चुप पड़ गई। अब्बा है सबसे पहले, ये देखो ली, ये देखो ली। तो गाइस हम लोग खाना खा के नहीं आए थे ना, घर पे मच्छी का सालन और चावल था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं खाई थी क्योंकि ये मेरे को बोल रही थी जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अभी हम लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। तो अम्मी के घर से हम लोग निकल चुके हैं, 8 बज रहे, अभी हम लोग जा रहे हैं मारवे थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए। और आज मेरी छुट्टी थी इसके लिए, अरबी की छुट्टी है करके ही हम लोग जा रहे हैं मारवे, ठंडी हवा खाएंगे, ठंडा गोला पियेंगे। और वापस आ जाएंगे, ट्रैफिक ज्यादा रहे तो वापस आ जाएंगे। हाँ, एक नंबर पे अगर ज्यादा ट्रैफिक लगा तो वापस आ जाएंगे। दशहरा में बहुत भीड़ था, ज्यादा भीड़ है, देखते हैं ना क्या हिसाब किताब है। वो तो इसकी अरबी की छुट्टी है बोल के सोचे जाने का, कहीं वरना ये टाइम पे उसको अरबी जाने का रहता है। गोला खाने के लिए मारवे के लिए निकले ले, लेकिन हम लोग है ना ट्रैफिक रहेगा सोच के नहीं आ रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन कैसे कैसे करके हम लोग को ट्रैफिक मिला ही नहीं। हम लोग आगे आगे मारवे के पास, पुलिस वाले अंदर जाने नहीं दे रहे ले, लेकिन कैसे ना कैसे करके आपके भाईजान ने पटा लिए पुलिस वाले को। क्या वो भी देख रहे हैं कि अंदर गोला आज आए कि नहीं। वही सब यहाँ पे गोला यही खा लेंगे, सब है, सब इंजॉय करेंगे बाबू, वहाँ सब इंजॉय करेंगे। हाँ देखते ना, चलो ना वहाँ का भी नज़ारा देखने मिलेगा। अब अंदर आई गए तो थोड़ी ना सामने वाला तुमसे पूछेगा कि तूने 5 मिनट बोल के गया और 10 घंटे बाद आ रहा है। सब कुछ बोली, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज दशहरा है ना, विसर्जन हो रहा है ना, तो इस वजह से मारवे को विसर्जन के लिए प्रिपेयर कर, मतलब रेडी रखा है कि ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। जो है क्या, हाँ शायद, हाँ सारे धंधे वाले बाहर है, देखो ये भी बाहर है बाबू, ये चलो यही खा लेते, सारे अंदर के धंधे वाले जो भी है ना सब बाहर। वही तो बोल रही हूँ। मैं सोच रही आप लोगों को एक बार मारवे की झलक दिखा दूँ कि क्या हाल है वहाँ, खा गोला तो खा लेंगे वापस यहाँ के। बहुत भीड़ है वहाँ, यहाँ तो सही में कोई दुकान वाले लोग नहीं है, कोई नहीं है, सब भीड़ है यहाँ पे। मेरे को चलो, बड़ी बड़ी बोर्ड लगी हुई। अरे पापलेट, झींगा झींगा, बड़ा हो जो बड़ा 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 झींगा, बड़ा झींगा आते देखते हो। भीड़ देखो गाइस, भीड़ देखो, मेला मेले वाली पीढ़ी खा रही है बाबू। हाँ ऐसे देख रहे हो तो देखो कितनी भीड़ दिख रही है। हाँ नहीं रेंदु, मेरा हाथ ही छोटा पड़ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। गोला तो यहाँ पे भी है, तो यहीं पे बैठ के खाएंगे गोला। तुम का नीचे लेके जा रहे हैं, चलो बैठ जाते हैं यहीं पे, है ना। लास्ट टाइम हम लोग आए थे ना शेरू के साथ, तो यहीं पे बैठे थे। हाँ चप्पल के ऊपर बैठी है ना अपन, अच्छा बैठ गए इस पे लोखंड पे। सो रहा है ऊपर,
कपड़े गंदे नहीं करना आज आजम नहीं जागा मैंने तो अच्छे से चुस्त भुगता ऐसे करके सो रहे हो अंदर तो कुछ आता है ना इसको मैं कैसे करता है देखो उसमें ना तीनों के फेस बनेंगे उसमें बता ना कौन कौन है कौन कौन है बता अब बता ही नहीं रहे अच्छा और आदम को तो बनाया ही नहीं अरे आदम को अच्छा बनाना आदम छोटा था आदम इसके लिए बन गया उसका आदम और अभी मैं कैट बना रही हूं क्या बना रही है कैट अच्छा उसमें कभी मुलो ना कुछ समझ नहीं आया 100 रुपए आटा बांगड़ा इससे अच्छा मिलता है मालवनी में इससे ज्यादा सस्ता और अच्छा मिलता है 100 रुपए 12 बांगड़ा लिए अच्छे वाले बोलो ये वाले बड़े झींगे का बोलो फाइनल खत्म किया मैंने इतना ही ये बड़े झींगे का फाइनल बोलो 5000 रुपए बोल दिया वो तो तुम बोले ही वो बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने ये वाले झींगे ले लिया अपन ने आजम उठ गया नींद में से हम लोग गोला उला खा लिया पूरा एंजॉय कर लिया वो अब भी उठ रहा है वो भी इसलिए उठा क्योंकि हम लोग यहाँ रुके मच्छी साफ कराने के लिए रुके ना तो इसके लिए कहा हुआ आजम नाच आजम नाच बताओ ना झिंगा बताओ कहा डाले दो मेरे को अभी तुम झिंगा दो जल्दी अब फटाफट साफ कर दो चलो रखो यहाँ रखो जल्दी जल्दी साफ कर दो माशाल्लाह मालोनी चमक गए एकदम सजेवा है ना अच्छा लग रहा है ना चलो जाते खाली एक ही साइड सजेवा दूसरी साइड नहीं सजेवा हम लोग घर के पास आ रहे गाइस घर के पास जा रहे घर जा रहे ये तो अपने घर का भी कर रहा है तो गाइस आ गए हम लोग घर पे और आ गए हम लोग किचन में क्योंकि काम लेकर आए साथ में झींगा मच्छी दूध अभी मैं दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ सो गाइस हम दोनों ने मिलके झींगे ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए साफ करने के और मैं अपने काम पे लग गई यहाँ पे मैं झींगे फ्राई कर रही हूँ मसाला ऐड कर रही हूँ उसके अंदर बाकी बचा कुछ आपके भाईजान साफ कर रहे हैं इसको मसाला लगा के जाऊंगी आजम को खाना खिलाना